Press the bell icon on YouTube app and never miss an update. को भिकारी को डॉक्टर को रोगी को सूफी को शराबी को फुल टेंशन बड़े को भी छोटे को भी पतले को मोटे को हरे को खोटे को लंबे को नाटे को कैलाश नाथ जी, क्या हुआ आपके लड़के का? कोई नौकरी वोकरी मिली या नहीं? क्या बताऊं भैया, एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू टेस्ट सब कुछ पास कर लिए थे, लेकिन 2-2 लाख रुपए अंडर हैंड मांग रहे हैं। मैं गरीब आदमी कहां से लाऊं इतने पैसे? घबराइए नहीं, आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए अब आ गए हैं भट्टी अंडर हैंड फाइनेंसियर्स। हर तरह की एडवांस रिश्वत के लिए आसान किश्तों पर लोन ले भट्टी अंडर हैंड फाइनेंसियर्स। Your name, please? मैम, I'm राजू। अपने बचपन की फोटो लाए? बचपन की तो नहीं, लेकिन ये लेटेस्ट फोटोग्राफ लाया हूँ सर, ये देख लीजिए। हमने स्पेशली आपको इंटरव्यू लेटर में लिखा था कि बचपन की फोटो लेके आनी है। यू मे गो, नेक्स्ट प्लीज। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज निखिल, आई एम फर्स्ट ऑफ फर्स्ट। ये रही मेरी बचपन की फोटोग्राफ। सॉरी मिस्टर निखिल, आप जा सकते हैं। लेकिन सर, मेरी इंटरव्यू? आपकी तो फोटो ही ठीक नहीं। लेकिन सर, ये तो मेरे बचपन की फोटो है। देखिए, ये हमारे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, ये तो बचपन की फोटो देखकर ही बता देते हैं कि आदमी इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा या कुछ भी नहीं बनेगा। पर फोटो देख के कैसे पता चल सकता सर? भाई कैसे नहीं पता चल सकता, अब देखो ना, मेरी बचपन से ऐसी शक्ल थी जैसे एक एमडी की होती है, और आज मैं एक एमडी हूं। आप वक्त बर्बाद ना करें। यू मे गो प्लीज, नेक्स्ट। क्या हुआ यार? क्या पूछा? इंटरव्यू तुम्हारी कैसे हुई? क्या कहा कि इंटरव्यू थी यार, बचपन की फोटो देख के रिजेक्ट कर दिया मेरे को। ओ यार, उन्होंने मुझे भी कहा कि तेरी बचपन की फोटो ठीक नहीं है। यार ये तो गलत बात है। ओ सर, हम जाते हैं यार, हमें ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए, अखबारों में खबरें छापनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है यार। भाई ये क्या खबर छपी है, हमारे महकमे में बचपन की फोटो देखकर सिलेक्शन हो रही है? सर मैं ऐसा करता हूँ, एमडी साहब को ऑफिस में बुलवा लेता हूँ, हो सकता है खबर गलत हो। खबर गलत हो ही नहीं सकती, मुझे पहले भी शिकायत मिल चुकी है। आप अभी एमडी को बुलवाओ, यही कोठी में। ओके सर। जी मैं वो बचपन की फोटो लेके आया था। अरे यार, पहले फोटो के चक्कर में यहाँ इंक्वायरी चल रही है, चलो यहाँ से। मिस्टर भट्टी, आपने हमारे पूरे महकमे का मजाक उड़वा दिया है। सर अपना महकमा है ही बड़ा मजाक के सर। क्या मतलब? सर मेरा मतलब, सर मैंने अपनी तरफ से कोई ऐसा मजाक नहीं उड़वाया सर। तो फिर आपने सिलेक्शन के लिए बचपन के फोटोग्राफ किस हिसाब से मंगवाए? वो सर एक्चुअली आपके जो माता जी हैं, उन्होंने एक कैंडिडेट की बड़ी जोरदार सिफारिश की थी, उन्होंने कहा था कि उसे रखना ही रखना है। अरे हाँ बेटा, अपने गांव का वो ओमी नहीं है, ओमी उसी की बहन का बेटा है पप्पू, उसी के लिए मैंने कहा था। सर माता जी को उसका पूरा नाम और पर्टिकुलर्स पता नहीं थे। फिर हमने कहा कि कोई निशानी के तौर पे अगर कोई फोटोग्राफ वगैरह मिल जाए, तो उन्होंने एल्बम से निकाल कर सर ये बचपन की फोटोग्राफ दे दी थी। भट्टी साहब, मैंने सुना है कि आपने अनएम्प्लॉयमेंट पर बहुत स्टडी करी है, मेरा मतलब बेरोजगारी दूर करने के कई नए नए ढंग, नए नए तरीके निकाले। अजी ऐसी ऐसी तरकीबें हैं कि बेरोजगार टॉर्च लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। अच्छा, ये बेरोजगारों के लिए आपने किस किस्म के काम निकाले हैं, कोई एग्जाम्पल? हाँ, फॉर एग्जाम्पल जो कवि लोग होते हैं, जो शायर होते हैं, वो तब तक कामयाब नहीं होते जब तक कि उन्हें कोई दाद देने वाला ना मिले, वाह वाह करने वाला ना मिले। बिल्कुल सही फरमाया आपने। हाँ, तो बहुत से जो बेरोजगार हैं वो दाद देने का प्रोफेशन अपना सकते हैं।
उल्लू बैठा। वाह वाह वाह। अबे कहाँ दांत दे रहा है? हुजूर नया इस लाइन में सीख जाएगा, बच्चा है आपका, चुब्बे। हाँ हुजूर इरशाद। उल्लू बैठा बाग में अपने पंख पसार, उल्लू बैठा बाग में अपने पंख पसार, कलियों ने घूंघट ओढ़ लिए, शर्म आ गई वहां। मेरे साजन अब तो आजा, वाह मेरे साजन अब तो आजा, करके टैक्सी कार। वाह 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 बहुत अच्छा। अच्छा हुजूर माफी चाहूंगा, जरा अकबर सिंगापुरी के गाना गजल सुनने। आज चल बेटे आजा चल। बट साहब ऐसी बेहुदा शायरी तो सुननी बहुत मुश्किल है, इसमें वाह वाह करनी तो बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ये तो जिन लोगों ने ये प्रोफेशन ज्वाइन करना हो उन लोगों को अपने कान का एक माइनर ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे सुनाई देना काम हो जाएगा, सिर्फ ये अंदाजा लगेगा कि शेर कहां से शुरू हो रहा है कहां खत्म हो रहा है। और किस किस्म के कारोबार हैं जी आपके माइंड में? अब कई लोगों के पब्लिक रिलेशंस बहुत पुअर होते हैं, उनकी किसी के साथ बनती नहीं, यहां तक कि उनकी शादी पर भी कोई जाने को तैयार नहीं होता। मेरी तो अपनी शादी पर बड़ी मुश्किल से 2-3 बराती आए थे जी। हाँ तो सैकड़ों बेरोजगार आप जैसे लोगों की शादियां अटेंड कर सकते हैं। अरे हमने तो अपने देवर की शादी में सारा कुछ भट्टी टेंट हाउस से मंगवाया था। अच्छा? टेंट, कनाते, क्रॉकरी, यहाँ तक कि 25 बाराती भी उन्होंने भिजवा दिए। तुम सूटेड बूटेड एजुकेटेड बारात लग रही थी। वैसे ये अच्छा किया। और लड़के का चाचा, वो तो चौपाटी में भेलपुरी बेचता है। फिर टेंट हाउस वालों ने 500 रुपए में ऐसा चाचा भेजा कि तो एकदम इंग्लैंड रिटर्न लगता था। अब बहुत से शराबी ऐसे होते हैं जो ठेके तक तो अपने आप पहुंच जाते हैं, लेकिन पीने के बाद वापस घर आना उनके लिए एक प्रॉब्लम होती है। वो एक्चुअली उन्हें घर का रास्ता समझ में नहीं आता ना भट्टी साहब। तो ऐसे शराबियों को ठेके से वापस घर तक पहुंचाना ये भी अपने आप में एक काम है। ये लो जी अपने पति संभालो, हड्डी पसली साहब बराबर है देख लो। अच्छा सुनो, रास्ते में कहीं गटर या नाले में तो नहीं गिरे थे? नहीं जी नहीं, आप चेक कर लो, मिट्टी विट्टी कहीं नहीं लगी है। सुनो, सामने वाली बीबी जी पूछ रही थी कि उनके पति रात में शराब पीकर 2 बजे फ्री होते हैं, उन्हें घर पहुंचा दिया करोगे? हाँ जी बिल्कुल पहुंचा देंगे जी, पर ये है जी कि 2 बजे के बाद 50% चार्जेज एक्स्ट्रा लगेंगे। एक और एग्जांपल जल्दी दें। तुम्हें बहुत जल्दी है? नहीं नहीं बेटा, मुझे तो कोई जल्दी नहीं है, पर हमारे दर्शकों को हमेशा जल्दी होती है। अपने जो नेता लोग होते हैं जब वो भाषण देते हैं तो उन्हें तालियां बजाने वाली जनता चाहिए। हाँ ये तो है। हजारों बेरोजगार दिहाड़ी पर तालियां बजाने का काम कर सकते हैं। सुना है आपके मियां को बोट क्लब की रैली में तालियां बजाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। 50,000 लोगों की रैली में हर 5 मिनट के बाद तालियां और हर 10 मिनट के बाद नारे लगवाने हैं। वेरी प्रेस्टिजियस कॉन्ट्रैक्ट यू नो। भट्टी साहब आपने तो बड़े अजीब अजीब काम धंधा इन्वेंट किया है जी। एक्चुअली मेरे ताऊ जी ना बहुत बड़े मिनिस्टर हैं, तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि ये 1,000-2,000 तालियां मारने वालों को ना पक्की नौकरी पर रख लें, मतलब सरकारी नौकरी दे दें। ना ना सरकारी नौकरी पर नहीं रखना, डेली वेजेस, टेम्पररी जॉब। वो क्यों? क्योंकि जिस दिन उन्हें सरकारी नौकरी पर रख लिया वो तो तालियां मारनी छोड़ देंगे। बेरोजगार बहनों और भाइयों के लिए पेश है अनएम्प्लॉयमेंट क्विज। जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। अरे अरे भाई क्या हो गया? ये तो हम प्रैक्टिस कर रहे थे सर, कल को जब हमें नौकरी मिल जाएगी तो डीए की किश्तों और बोनस के लिए नारे नहीं लगाने पड़ेंगे। ओहो यहाँ तुम्हें नौकरियां देने के लिए नहीं बुलाया, ये कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं है, ये क्विज है क्विज। ओके ओके ओके। समझदारों से शुरू करते हैं, तो पहला सवाल है समझदारों के लिए, सवाल यह है कि सरकारी नौकरी और बिजनेस में क्या फर्क है? बहुत फर्क है जी, सरकारी नौकरी में हाजी लगती है, बिजनेस में नहीं लगती। ना गलत है, बेवकूफ बताएंगे कि सरकारी नौकरी और बिजनेस में क्या फर्क है। जनाब प्राइवेट बिजनेस में लेन देन मेज के ऊपर से होता है और सरकारी नौकरी में मेज के नीचे से। जवाब बहुत ही खूबसूरत। तो अगला सवाल वैसे ही बेवकूफों के हिस्से में आ रहा है, सवाल है अगर नौकरियां पेड़ों पे लगनी शुरू हो जाएं तो क्या होगा? फिर तो माली की पोस्ट के लिए भी आईएएस अफसरों की होड़ लग जाएगी। सही जवाब के लिए मुबारक। अब चुनौती है समझदारों के लिए, समझदार अपना दिमाग लड़ाएंगे। सवाल है कि एक आदमी किसी कंपनी के चेयरमैन की पोस्ट को ठुकरा देता, कह देता कि मुझे नहीं चाहिए ये पोस्ट, क्या कारण हो सकता है? जी वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरता है।
गलत, बेवकूफ बताएंगे। सर वो ना चेयरमैन की पोस्ट को इसलिए ठुकरा देता है क्योंकि इसमें आगे ना प्रमोशन का कोई चांस ही नहीं होता। जवाब सही है, बेवकूफों के प्रमोशन के पूरे चांस। और अगला सवाल बाई चांस फिर बेवकूफों की नजर। तो सवाल है, कई बार आपने अखबारों में नौकरियों के विज्ञापन देखे होंगे, कई पोस्ट ऐसी होती हैं जिन पर हजारों रुपए तनख्वाह होती है, पक्स होती है, गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब कुछ मिलता है। ऐसी पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना हो तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करके वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए। वो क्यों? ऐसी पोस्ट कंपनी के मालिक ने अपने बाल बच्चों के लिए रिजर्व रखी होती है। जवाब दुरुस्त। इसी के साथ बेवकूफों की टीम जीत गई और इस जीती हुई टीम को दिया जाएगा 100-100 रुपए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। आप भी खाइए और 50% मुझे खिलाइए। ओह नो। जी ये मेरा बेटा है, इसने अभी बीकॉम की है। जरूर नकल मार के की होगी। जी आप तो जानी जान है पंडित जी। पंडित जी नहीं, ज्योतिषाचारक हो, ज्योतिष विज्ञान के जाने माने विज्ञानी, श्री श्री 10^8 स्वामी जसपालानंद। मूर्खो बोलो ज्योतिषाचार्य की जय। महाराज आप तो बस इसे नौकरी दिलवा दीजिए। गधे ने कहाँ अप्लाई किया है? मम्मी मुझे गधा कह रहे हैं। चुप कर बेटा, इनके ज्ञान के सामने हम सभी गधे हैं। जी मेरे लाल ने अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में अप्लाई किया है, 12 तारीख को इंटरव्यू है। हाँ, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी UDA, चेयरमैन है मिस्टर गोखले। जी हाँ, CL गोखले, बहुत ही शरीफ आदमी है। हमने पैसे देने की बहुत कोशिश की पर बात बनी नहीं। कुंडली में गड़बड़ होगी, गधे की कुंडली कहाँ है? ये लीजिए महाराज। हाँ। भाई चेयरमैन की कुंडली और गधे की कुंडली मिल नहीं रही, मिलानी पड़ेगी। मिला दीजिए महाराज। वो तो फिर हवन करना पड़ेगा, 251,000 की होती और 11,000 की सामग्री लग जाएगी। ये बहुत ज्यादा है। वो तो फिर UDA में नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है, वो भी इस गधे के लिए। ठीक है आप सामग्री लिखवाइए। लिखिए 1 टिन काजू, तले होना हो, फ्राइड काजू से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। देवताओं का भी कोलेस्ट्रॉल होता है स्वामी जी? नए देवताओं का होता है। आगे लिखो 2 सिल्क की साड़ियां, 4 कंबल, 1 गहरे नीले रंग का गर्म सूट। स्वर्ग में भी सर्दी होती है महाराज। जिस देवता की हम पूजा करते हैं उसे गर्मी सर्दी भूख प्यास सब कुछ लगता है। हाँ प्यास से याद आया कि 6 बोतलें विदेशी शराब की भी लिखो। ये कौन से देवता है? करप्शन देवता। करप्शन देवता खुश तो सारे खुश। ये सारी सामग्री 251,000 रुपए, ये सब 11 तारीख 11 बजे से पहले पहले पहुंच जाना चाहिए। ठीक है महाराज, 11 बजे 11 तारीख से पहले सब सामग्री आपके चरणों में पहुंच जाएगी। डैडी अगर इतने पैसे खर्च नहीं है तो UDA के चेयरमैन को डायरेक्टली दे देते हैं, इनको देने की क्या जरूरत है? इस गधे को ये नहीं पता कि ईमानदार अफसर कभी डायरेक्ट डील नहीं करते, हमेशा अपने एजेंट्स के थ्रू काम करते हैं। एजेंट? मूर्खो बोलो एजेंट जसपाल आनंद की जय। नमस्कार। अब आप सुनिए बेरोजगार समाचार। एक सरकारी अदारे के लिए जरूरत है 40 टाइपिस्ट की, जिनकी टाइपिंग की स्पीड 10 गलतियां प्रति लाइन, गप्पे हांकने की स्पीड 200 शब्द प्रति सेकंड और स्वेटर बुनने की स्पीड 2 स्वेटर प्रति सप्ताह जरूरी है। तनख्वाह के अलावा महीने में एक बार दफ्तर की स्टेशनरी चोरी करने का मौका दिया जाएगा। BNR डिपार्टमेंट के लिए जरूरत है 70 सिविल इंजीनियर्स की, जो 70 करोड़ का सड़कों का बजट बिना सड़कें बनाए हड़पने की क्षमता रखते हों। उम्मीदवार 7 तारीख से पहले पहले हेड ऑफिस या सीधा मंत्रालय से संपर्क करें। संपर्क करने के लिए केवल 100-100 और 50-50 के नोटों का ही इस्तेमाल करें। एक सरकारी अस्पताल के लिए जरूरत है 10 डॉक्टरों की, जो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस के साथ साथ अस्पताल के मरीजों को देखने का टाइम भी निकाल सकें। तनख्वाह के अलावा सरकारी दवाइयां, थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप और एक्सरे की फिल्में बोनस के रूप में दी जाएंगी। अलग अलग जगह में टैक्स इकट्ठा करने के लिए जरूरत है 30 टैक्स इंस्पेक्टर्स की, जिनकी लंबी मूछें,
बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर डरावनापन होना जरूरी है। एक्स डाकुओं को प्रेफरेंस दी जाएगी। रोडवेज के लिए चाहिए 40 बस ड्राइवर जो बिना हाथ दिए मुड़ना, हाई स्पीड ओवरटेकिंग और बिना ब्रेक लगाए बस चलाने में माहिर हों। शराब और अफीम का सेवन करने वाले उम्मीदवारों को प्रेफरेंस दी जाएगी। इसी के साथ बेरोजगार समाचार समाप्त हुए। हाँ, कोई अच्छी नौकरी अगर आपकी नजर में हो तो हमें भी जरूर बताइएगा, हम दोनों खुद भी बेरोजगार हैं। ओ मिस्टर डिकू, आप बेफिक्र होकर इंटरव्यू पर जाइए, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। जिन जिन अफसरों की हमने मूछे गीली करनी थी वो कर दी हैं। पर मिस्टर भट्टी, वो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स को पता कैसे लगेगा कि सिफारशी कैंडिडेट मैं ही हूँ? वो तो हमने सारी सेटिंग कर दी है जी, हैं? वो सिलेक्शन कमेटी के 5 मेंबर्स हैं। अच्छा। जो बाएं हाथ से दूसरे नंबर पर मेंबर बैठा होगा, जब भी वो कोई सवाल पूछे उसे आप अपनी दाई आंख मार देना, सब समझ जाएगा। ओके सर, थैंक्स अ लॉट। यस भट्टी प्लेसमेंट सर्विस। भाई, मैंने अपनी फैक्ट्री के लिए फोरमैन की रिक्वायरमेंट दी थी। वो जी 4 आदमी भेज तो दिए थे। 4 नहीं, 1 चाहिए। ये 4 आदमियों का काम 1 आदमी कैसे कर सकता है? अरे भाई, 4 आदमी नहीं चाहिए, मुझे फोरमैन चाहिए जो मेरी फैक्ट्री में मशीनों पे काम करा सकता हो। अच्छा अच्छा, FORE फोरमैन। तो आप टेलीफोन पर जरा स्पेलिंग ठीक बोला करें ना। टेलीफोन पर स्पेलिंग? तो आपको फोरमैन मिल जाएगा जी, एकदम एक्सपर्ट A1। हो जी, हमारा रिकमेंड किया हुआ आदमी कभी फेल हो ही नहीं सकता। शायद नहीं आ रहा, दाईं तरफ से दूसरे को आंख मारने है, ये बाईं तरफ से को। मिस्टर टिकू, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है जी? क्वालिफिकेशन? बदतमीज। ओह आई एम सॉरी, मुझे लगता है मैं गलत आंख मार गया। मिस्टर जेंटलमैन, आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है? यू इडियट, क्या बदतमीजी है ये, मुझे ऐनक उठा उठा के आंख मार रहा है। मैडम नहीं, ये जानबूझकर नहीं मार रहा, आई नो हिम, बहुत शरीफ आदमी है। हाउ डू यू नो? आपको कैसे मालूम, आप जानते हैं इसे? नहीं, मैं तो वैसे जनरल बात कर रहा हूँ। वो क्या है कि कई बार एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लेडी देख कर ना उसके ऑनर में आंख अपने आप दब जाती है। क्यों भाई? यस मैडम। थैंक यू। बेटे की इंटरव्यू कॉल आ गई है, 500 जगह अप्लाई किया था पर इंटरव्यू लेटर पहली बार आई है। वेरी गुड वेरी गुड। कहाँ है लेटर? ओरिजिनल लेटर तो हमने फ्रेम करवाने के लिए भेजी है। ये फोटोस्टेट कॉपी है, आप इसे देख लीजिए, ये भी उतनी ही मजेदार है। लेटर मिलने से नौकरी नहीं मिल जाती? वो तो हमें मालूम है, इसीलिए तो आपके पास आए हैं। अब बताइए आगे क्या करना है? आगे तो आप ये फॉर्म भर दें और 5650 रुपए जमा करवा दें। वो किस चीज के? बीई गाइडेंस के। बीई गाइडेंस? बैक डोर एंट्री गाइडेंस। मतलब अंदर ही अंदर पिछले दरवाजे से सिफारशी नौकरी। हाँ। लेकिन 5650 किस हिसाब से? आपको पता है जिस डिपार्टमेंट में इंटरव्यू है उसके MD कौन है और किस इलाके के हैं? जी नहीं। इस इंफॉर्मेशन के 1650 रुपए। आप जानते हैं उस महकमे का मंत्री कौन है और वो किसका कहना मानता है? जी ये तो नहीं जानता। इस जानकारी के 2000 रुपए। आपको मालूम है आपका बेटा जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उस पोस्ट के लिए अंडर द टेबल फी कितनी है? इसकी तो खबर नहीं। तो फिर इस खबर के भी 2000 रुपए हैं। इस सारी इंफॉर्मेशन के कितने पैसे हो गए? 5650। हाँ, तो फिर मैंने भी तो इतने ही बताए थे। बड़े साहब पहले से मुंह मीठा करें। अच्छा अच्छा, तो नौकरी मिल गई? नौकरी तो मिल गई बट्टी साहब, वो जो सिलेक्शन कमेटी के बोर्ड में मैडम नहीं थी, मैडम प्रोमिला। हाँ, जिसकी पिछले 10 साल से शादी नहीं हो रही। हाँ, उससे मेरी शादी तय हो गई है। ओ, फिर तो डबल मुबारक हो भाई। सर ये लो 5650 रुपए। सर आपको तो नौकरी दिलाने का बहुत तजुर्बा है। ये तो 20 साल का तजुर्बा है, मुझे पता है नौकरी लेने में कितनी मुश्किल आती है। सर मतलब आपने 20 सालों में कई नौकरियां की है? नौकरी तो मुझे मिली नहीं, ये तो 20 साल मैंने धक्के खाए नौकरी के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस।
जो दर दर ढूंढते सर्विस थके हारे वो घर आए, जो दर दर ढूंढते सर्विस थके हारे वो घर आए। ना जिनकी हो सिफारिश तो वो बेचारे कहाँ जाए, जो दर दर ढूंढते सर्विस थके हारे वो घर आए, वो बेचारे। हैं अफसर चाचे और ताए वो जिन भी खुश नसीबों के, चाचे और ताए वो जिन भी खुश नसीबों के, वो जिन भी खुश नसीबों के, कोई भी पोस्ट हो खाली, कोई भी पोस्ट हो खाली, वो अपनों को ही दिलवाए। ना जिनकी हो सिफारिश तो वो बेचारे कहाँ जाए, जो दर दर ढूंढते सर्विस। Thank you.